हम सभी जानते हैं कि सुंबल से जनता कितना प्यार करती है। सुंबल के ऊपर जब घर के अंदर मुसीबत आती थी, यानी कि जब बिग बॉस 16 में घर के अंदर सुंबल के ऊपर टॉर्चर होता था, उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाए जाते थे, तो सबसे ज्यादा बाहर जनता भड़कती थी। जनता का ये कहना था कि हम सुंबल के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। एट लास्ट मेकर्स को भी अपनी स्ट्रैटेजीज जो है वो चेंज करनी पड़ी, क्योंकि सुंबल की फैंडम मैसिव है। इस वक्त एक बार फिर से बवाल मच गया है। जी हाँ, सुंबल के फैंस सोशल मीडिया पर ट्रेंड करा रहे हैं बख्श दो सुंबल को। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है कि छोड़ दो सुंबल का पीछा भाई? मैंने आपको कल के दिन बताया था, आई थिंक कल या परसों के दिन बताया था कि सोशल मीडिया पर ये बात बाहर आ चुकी है कि सुंबल को बिग बॉस ओटीटी के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन सुंबल ने मना कर दिया इस सीजन को करने से। इनफैक्ट इस शो पर आने से भी मना कर दिया। ये बात मैं आपको कई बार बता चुकी हूं, लेकिन अब जो अपडेट आई है वो ये है कि सुंबल ने भले ही शो के लिए मना कर दिया, लेकिन मेकर्स अभी भी कोशिश पूरी कर रहे हैं सुंबल को शो पर बुलाने की। देखिए, चाहे देवलीना हो, चाहे राखी हो, चाहे अर्शी हो, चाहे विकास गुप्ता हो फॉर दैट मैटर, चाहे रश्मि देसाई हो, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें बार बार शो पर बुलाया जाता है एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट। वहीं शहनाज गिल ऐसा नाम है, हिना खान ऐसा नाम है जिन्हें अक्सर बुलाया जाता है, गौहर खान ऐसा नाम है जिन्हें अक्सर बुलाया जाता है किसी स्पेशल टास्क के लिए या फिर एज अ गेस्ट। दोनों सिचुएशंस में काफी फर्क है। ये लोग घर के अंदर एंटरटेनमेंट ऐड करते हैं, घर के अंदर कंट्रोवर्सी ऐड कर सकते हैं, आग लगा सकते हैं, इसीलिए इन्हें घर में बुलाया जाता है। दूसरी तरफ वाले जो लोग हैं, यानी कि शहनाज हो गई, हिना, गौहर, सिद्धार्थ शुक्ला, ये लोग मैसिव पॉपुलैरिटी रखते हैं, इसीलिए मैसिव फैंडम्स हैं इनकी, इसीलिए इन्हें एज अ गेस्ट बुलाया जाता है एक दिन की टीआरपी को बूस्ट करने के लिए। अब मैं आपको बता दूं कि सुंबल दोनों ही कैटेगरीज में से इस कैटेगरी में आती हैं, यानी कि टीआरपी मैसिव ला सकती हैं अगर वो कभी आए तो। लेकिन सुंबल के बस का बिग बॉस नहीं है, क्योंकि जिस तरह की प्लानिंग, प्लॉटिंग, गेम्स खेलना, ये करना वो करना, ये सब सुंबल नहीं कर सकती। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि सुंबल के फैंस जो है इस बात पर जोर डाल रहे हैं कि मेकर्स क्यों पीछे पड़े हैं सुंबल के, क्यों बख्श नहीं देते सुंबल को, क्यों बार बार सुंबल को टॉर्चर करना चाहते हो यार, क्यों आप लोग, मतलब कलर्स के मेकर्स को क्या चाहिए, आई हैव नो आइडिया। बट फैंस का यही कहना है बार बार कि आप लोग सुंबल को अप्रोच करना बंद करो, सुंबल ने एक बार मना कर दिया है, वो अब इस शो पर नहीं आएंगी। इनफैक्ट अगर सुंबल आएंगी भी तो भी हम नहीं देखना चाहते सुंबल को, हम जो उनके फैंस हैं नहीं चाहते कि सुंबल आए। तो सुंबल स्क्वाड ने अनाउंस कर दिया है कि सुंबल को बख्श दो। आप लोगों का इस पर क्या है कहना, आप हमें जरूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में।